आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 25 सितंबर को विकास खंड भरोइया से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे गरीब कल्याण मेले का शुभारंभ। जिलाधिकारी ने कहा, जनपद के 20 विकास खंडों पर लगेगा मेला, जनमानस को शासन की योजनाओं से किया जाएगा आच्छादित। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ के पुण्यतिथि समारोह का हुआ समापन। साधु संतों सहित सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों ने दी राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि। विभिन्न पुस्तकों का हुआ विमोचन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महंत अवैधनाथ के आदर्शों व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रेरणा लेने की है जरूरत। किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर के जनपद में आगमन पर किया गया भव्य स्वागत। महामंडलेश्वर ने कहा, 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का साथ देगा किन्नर अखाड़ा, दोबारा बनेंगे योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री। कैंट पुलिस ने दो शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूट की दो चेन व घटना में प्रयुक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के आत्महत्या मामले पर बोले पूर्व सांसद रामविलास वेदांती। कहा, नरेंद्र गिरी की मौत आत्महत्या नहीं, हत्या है। सीबीआई जांच के बाद स्थिति होगी स्पष्ट, दोषियों पर हो कड़ी कार्यवाही। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई ई डिस्ट्रिक्ट कार्यशाला। गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाओं के अतिरिक्त कई बिजनेस टू कस्टमर की सेवाओं के बारे में भी दी जानकारी। डीएम ने कहा, गांव में लाएं डिजिटल क्रांति। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 86 केंद्रों पर कुल 13,427 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 7,971 और सेकेंड डोज लेने वालों में 5,456 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने लोगों को डेंगू के प्रति किया सचेत, कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। 24 से 30 सितंबर तक मनाए जाने वाले द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का बांसगांव के विधायक ने किया शुभारंभ। जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आरटीओ ने कहा, अभियान के तहत लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया जाएगा जागरूक। गोरखपुर में शुक्रवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,414। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 11 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। और दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पुरुष वर्ग में लक्ष्य एकेडमी और महिला वर्ग में लक्ष्य एकेडमी बी रही विजयी। विजेता और उपविजेता टीम को मुख्य अतिथि ने किया पुरस्कृत, कहा अनुशासन में रहकर खेले तो जरूर मिलेगी सफलता।